बिहार में उपचुनाव वाली तीनों सीटों पर मतगणना जारी है। अररिया लोकसभा सीट और जहानाबाद भभुआ विधानसभा सीट के लिए मतगणना शुरू हो गई है। अररिया लोकसभा सीट को लेकर मतगणना जारी है। अररिया के डीएम हिमांशु शर्मा ने कहा है कि 3 से 4 बजे तक मतगणना का काम पूरी तरह से हो जाएगा। ये सारी तैयारियां मतगणना के लिए पूरी कर ली गई हैं। 6 विधानसभा क्षेत्र पूरी लोकसभा के अंदर आता है, सभी का अलग अलग हॉल्स में काउंटिंग हो रहा है, उसको कंपाइल करके लोकसभा का जो रिजल्ट है वो बनाया जाएगा। लगभग 27 से 28 राउंड हर विधानसभा में ऑन एवरेज है, तो 3 से 4 बजे तक हम लोग उम्मीद कर रहे हैं काउंटिंग पूरी होगी। सफिशियंट फोर्स भी लगाया गया। सुरक्षा का क्या व्यवस्था? सफिशियंट फोर्स हम लोगों को जिला से बाहर के जिला से प्राप्त अपने जिले का पूरा बल लगाया गया है, और सीपीएमएफ को फोर्सेज जो स्ट्रॉन्ग रूम का निगरानी में वो भी उपलब्ध है, तो कोई दिक्कत नहीं। वही शुरुआती रुझान में अररिया में आरजेडी उम्मीदवार सरफराज आलम अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के उम्मीदवार प्रदीप कुमार सिंह से पीछे चल रहे हैं, तो जहानाबाद विधानसभा सीट पर पहले राउंड में जेडीयू कैंडिडेट अभिराम शर्मा महज 21 वोटों से आरजेडी उम्मीदवार सुदय यादव से आगे चल रहे हैं। वहीं कैमूर विधानसभा सीट पर चल रही मतगणना में बीजेपी कैंडिडेट रिंकी रानी पांडे ने शुरुआती रुझान में लीड बना ली है। अब देखना यह होगा कि बिहार में इन तीनों सीटों पर एनडीए बढ़त बरकरार रख पाएगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।